हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर अफोर्डेबल चारकोल फेशियल जो आप घर पर कर सकते हैं। और मैंने जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है वो सारे एल्प्स गुडनेस के हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। पहले मैंने अपने फेस पर चारकोल फेस स्क्रब इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन किया है। आप चाहे तो चारकोल फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्किन में चारकोल फेस वॉश सूट नहीं करता, इसीलिए मैं चारकोल फेस स्क्रब डायरेक्टली इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो फेस स्क्रब है यह है एल्प्स गुडनेस का और बहुत ही फाइन इसके ग्रैन्यूल्स है। मैंने अपने नोज़ के साइड जहाँ पर ब्लैक हेड्स होते हैं, अपने चिन पर जहाँ पर वाइट हेड्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया है। और इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो बहुत माइल्ड होने के कारण मेरे स्किन पर बिल्कुल भी रेडनेस नहीं हुई है। और आप लोग इजीली देख सकते हैं कि वॉश करने के बाद मेरे स्किन में जितने भी ब्लैक हेड्स या फिर डेड स्किन सेल्स थे तो सारे डेड सेल्स दूर हो चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। सेंसिटिव स्किन के लिए या फिर पिंपल प्रॉन स्किन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे ख्याल से। और इसका कोई उतना ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल भी नहीं था। उसके बाद मैं अपने फेस पर फेस पैक लगाऊंगी। तो ये वाला एल्प्स गुडनेस का चारकोल फेस मास्क है। ये कोई पील ऑफ मास्क नहीं है, ये नॉर्मल फेस मास्क है, लेकिन इसका जो स्मेल है वो मोसम्बी फ्रूट जो है उसके जैसा है। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि मेरी स्किन पर लेमन बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो मैं 2-3 दिन वेट किया मैंने ये देखने के लिए कि मेरी स्किन पर कुछ पिंपल की प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ था। बल्कि इस फेस मास्क को इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। सो ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल से। और इस फेस मास्क को मैंने होल फेस और नेक पर अप्लाई किया है इवनली। इसे सूखने में बस 15 मिनट चाहिए। तो 15 मिनट बाद मैं अपने फेस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करके मैं इसे मसाज करते हुए मैंने इसे रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद मेरी स्किन पर एक अलग सा ग्लो मुझे मिला। मैं बहुत दिनों से बीमार थी जिसकी वजह से बहुत डेड स्किन सेल्स थे, सारे रिमूव हो चुके हैं और स्किन में एक अलग सा ब्राइटन लुक मुझे मिला है। सो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।